डिजिटल इंडिया मुहिम के बाद भारत में ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने की रफ्तार जिस गति से बढ़ रही है, उसी गति से साइबर अपराध की शिकायतें भी आ रही हैं। बात चंडीगढ़ और पंजाब की करें तो यहां रोज 100 से अधिक साइबर ठगी की शिकायत स्पेशल साइबर सेल के पास आ रही हैं। कई शिकायतकर्ता में रकम हजारों में है तो कई में लाखों तक पहुँच जाती है। इस ट्रेंड की पड़ताल साइबर सेल के एक्सपर्ट के साथ मिलकर की तो पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से कॉल आती है और जिस अकाउंट में ठगी के पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, अब सब किराए के होते हैं। मात्र 5,000 रुपए में जिन लोगों ने अपने खाते बेचे होते हैं, वे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड के आदिवासी या फिर गरीब ग्रामीण होते हैं। अलग अलग खातों से ट्रांसफर हुए पैसों को निकालने के लिए अलग टीमें होती हैं। वो 100 किलोमीटर दूर जाकर तय समय पर पैसे एटीएम से निकालते हैं। इसके लिए उन्हें 5-7% कमीशन मिलता है। पुलिस जब तक इन मामलों की छानबीन करती है, तब तक शातिर ठग एटीएम कार्ड व खाते से संबंधित दस्तावेज उनको लौटा देते हैं, जिनसे वे किराए पर लिए होते हैं। साइबर ठग के मास्टरमाइंड दिल्ली, हरियाणा के मेवात और भरतपुर, झारखंड, यूपी के मथुरा में बैठे हैं। ये अपने नेटवर्क के माध्यम से गरीब लोगों को वे आदिवासियों के बैंक अकाउंट से 4-5 दिनों के लिए किराए पर लेते हैं। बहाना बनाते हैं कि उनकी बड़ी पेमेंट आनी है। यदि वे अपने खाते में मंगवाएं तो उनका हजारों रुपए टैक्स लग जाएगा। यदि उन लोगों के खाते में डलवाते हैं तो टैक्स फ्री रहेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।